अगर कुछ करने की चाहत हो तो मंजिल तक पहुंचने का सफर आसान लगने लगता है। ऐसा ही सपना बुना था मनाली की कल्पना ठाकुर ने। कल्पना ने अपनी अच्छी सोच की बदौलत कचरे को ही एक नई शक्ल दी जो अब घर को सजाने में काम आ रहा है। कैसे कर रहे हैं ये सब कुछ संदीप सिंह आपको बता रहे हैं। घर को चार चांद लगाता ये खूबसूरत लैंप, फूलों से सजा ये गुलदस्ता, कमरे की शोभा बढ़ाता ये डेकोरेशन पीस और ये इयररिंग। देखकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सब कचरे से बनाया गया है। कूड़े के ढेर को शानदार तरीके से इंटीरियर डेकोरेशन की चीजों में तब्दील किया है मनाली की रहने वाली कल्पना ठाकुर ने। कोक की बोतल हो, टीन के डिब्बे या फिर कुछ और, कचरे को कला में बदल देती है कल्पना। पर्यावरण के लिए कल्पना का प्रेम इतना है कि अगर कोई भी सैलानी इनके सामने कूड़ेदान में या रास्ते में प्लास्टिक की चीजों को फेंकता है तो वो कचरा उठाकर घर ले आती है और उनसे कोई भी चीज सजावट की तैयार कर अगले दिन उन्हें बतौर उपहार भेंट करती है। जी, शुरू शुरू में तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और बल्कि बाहर के लोग भी मुझे पागल ही समझते थे, क्योंकि मैं बाहर से बोटल्स वगैरह उठाती थी, टाटरा पैक उठाती थी। तो अब धीरे धीरे उनको समझ आ गई है, क्योंकि मैंने धीरे धीरे उनसे डेकोरेशन की चीज़ें बनानी शुरू कर दी है। तो मेरे घर में 50% जो चीज़ें हैं वो सारी वेस्ट मटेरियल से ही बनाई हुई है। पर्यावरण को संजोए रखने के लिए कल्पना कुछ खास करना चाहती थी, तभी उन्होंने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट के जरिए पर्यावरण को बचाने के तरीके ढूंढे। पुराने अखबारों से उन्होंने फूलों की टोकरी, गहने रखने की टोकरी के साथ साथ और सजावट की चीजें बनाई। इसी के साथ प्लास्टिक की चीजों को भी उन्होंने सजावट में इस्तेमाल करना शुरू किया। पर्यावरण को बचाने के लिए कल्पना लोगों को प्रेरित करती है, साथ ही देश विदेश से आने वाले सैलानियों को भी जागरूक करने का काम करती है। सर, रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा है। लोग क्या करते हैं, मुझे डिमांड देते हैं और मैं उनके कहने पर ही चीजें बनाती हूँ। जैसे कि ये मेरे ड्यू की बोटल्स हैं, इसे मैंने फ्लावर पॉट बनाया। ये इयररिंग्स बनाई है, ये इयररिंग्स तो काफ़ी पॉपुलर हो गए सर। जैसे ये केटल बनाया हुआ मैंने, ये न्यूज़पेपर की बनाई हुई है। जो सेल की जो अमाउंट है वो मैं अपने पास नहीं रखती, उसको सोशल कॉज के लिए यूज करती हूँ। अपने शौक की वजह से कल्पना के पास पुरस्कारों का ढेर है। कल्पना की लगन का असर है कि पति ने सरकारी नौकरी छोड़कर उनके काम में मदद करना शुरू कर दिया है। मैं बैंक में पूरा ड्यूटी नहीं दे पा रहा था तो मुझे उसको छोड़ना पड़ा, तो छोड़कर देन आई एम नाउ 100% विधर और अब इसी कॉज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि भी कोई अच्छा एग्जांपल सेट हो सके। उनकी इस कला के नमूने को देखकर दूर दूर से आए सैलानी भी दंग रह जाते हैं। कल्पना कचरे से बने सामान को बेचकर जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। दिस थिंग्स आर वेरी चीपर एंड आई कंग्रेचुलेट मैम for this thing, this kind of things, making this kind of things. पर्यावरण को बचाने की कल्पना की ये शानदार कोशिश एक सबक है उन लोगों के लिए जो भले ही अपने घरों को तो साफ रखते हो लेकिन पर्यावरण को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर पीएम मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को सच करना है तो हमें कल्पना की ही तरह वेस्ट को बेस्ट में बदलना होगा, ताकि स्वच्छ भारत के भविष्य की कल्पना की जा सके। मनाली से संदीप सिंह, जी मीडिया।